ठीक है, हम कंटिन्यू करें। ये था ना हमारा लास्ट क्लास का, हमने ये करा था। ये कलर इसमें ऑलरेडी पूरा हो रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको हम वापस मेटल ऐड कर देंगे। एमएटी में जाओ, यहां से जो भी आपका अभी डिफॉल्ट कलर लेना है तो इसको हटा दो। अभी जैसे आप इसके ऊपर पेंट यूज कर सकते हो ना, कोई भी कलर आपको पेंट का कलर कैसा चाहिए, जैसा व्हाइट चाहिए व्हाइट ले लो इस तरह। और अगर दो ब्लैक चाहिए तो ब्लैक भी दे, ब्लैक कलर वैसे आता ही नहीं है, ब्लैक नहीं आता, व्हाइट ही आता। स्टोन लगा सकते हैं हम, अच्छा नहीं दिखेगा। हम वॉल पेंट यूज कर रहा हूं अभी मैं, विंडो पे चेंज हो गया, विंडो ग्लास दिख रहा है इस कारण से दिख रही है विंडो चेंज। इसको आइसोलेट करो, इसको आप सॉलिड एडिट कमांड होती है। अभी ये ग्रुप हो रखा है ना, पहले इसको यूएनजी से अनग्रुप करो और इसको सेलेक्ट करके वापस आइसोलेट करो। अभी विंडो जो है ना, विंडो ये डोर इसके साथ अटैचेबल हो रखे हैं। हाँ, यूनियन हो रखा है। तो आपको इसको अलग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड एडिट कमांड भी आती है, उससे भी कर सकते हैं। सॉलिड एडिट बॉडी सेल, अब इसमें देखो पूरा अटैचेबल है। तो यहां पर एक चीज, एक ऑप्शन करेंगे हम, क्या करेंगे कि इसको हम स्लाइस करेंगे, स्लाइस करके इसको काटेंगे, अलग करेंगे। स्लाइस के लिए आपको देखो एक F6 होता है, डायनेमिक यूसीएस, यहां से मैंने ऑन करा है, वैसे F6 से आता है ये ना, मटेरियल में बंद कर देता हूँ अभी, मेरे को नहीं चाहिए वैसे भी। कमांड लगाओगे, स्लाइस लगाते हैं, उसके पहले आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा इस सरफेस पे, रैंडम बना दो कोई दिक्कत नहीं। आपको कमांड लगानी है स्लाइस, स्लाइस में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके एंटर करके यहां से आता है प्लेनर ऑब्जेक्ट, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर दो, बस एंटर कर दो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। अब इधर भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा आपको, मतलब इसको कट कर रहा हूँ, काट रहा हूँ ना मैंने, ये अलग ऑब्जेक्ट है, अब ये अलग ऑब्जेक्ट, दोनों अलग अलग हो गए। सेम प्रोसेस आपको इधर भी करना है, कमांड रेक्टेंगल बनाओ एक इस सरफेस पे, एक इस सरफेस पे और एक इस सरफेस। कमांड हो कि वही चलेगी, स्लाइड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर प्लेनर ऑब्जेक्ट, ये अलग होगी। अब वापस सेलेक्ट करेंगे, वापस एंटर करेंगे, वापस प्लेनर ऑब्जेक्ट लेंगे और इस रेक्टम सिलेक्ट करेंगे। अभी अलग रहा, एक अकेला रहा, इसको भी हम अलग कर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर प्लेनर ऑब्जेक्ट, अब ये विंडो अलग रह गई, इस विंडो को मैं हाइड कर देता हूं। इसी तरीके डोर का भी आपको करना पड़ेगा। अब इसको मैं वापस यूनियन कर रहा हूं ना, मेरे को यूनियन करना है, यूएन आई कर दूंगा वापस। और पहले जैसा हो गया ये, अरे दो को भी सेम इसी तरह अलग करना पड़ेगा। इसमें तीन चीजें बनेगी बस, स्लाइस
प्लाइज प्लेनर ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट, इसको भी हाइड कर दो। अब इसको यूनियन करेंगे। अब इस चीज को मैं यहां से, अब इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से और अब इसको अलग करूंगा, इसको भी मैं कट करूंगा क्योंकि अलग से स्टोन लगेगा बाहर से अलग ही। स्लाइस लगा दो। और मेरा ये ऑब्जेक्ट अलग है पूरा, इसको अलग ही रखना मेरे को वैसे भी। और 2D हटानी है तो कमांड लगाओ SIMI, सिमिलर सेलेक्ट, सब 2D वाले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे और डिलीट करो। अब अनहाइड करो। अब इसमें तो ये वाली प्रॉपर्टी मैच हो जाएगी एम है। बट इसमें कलर का रखा था इस कारण से इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। अब देखो ये दोनों चीजें अभी यूनियन नहीं हो रखी है, इसको मैंने यूनियन करा है ना, ये भी अटैचेबल देखिए। अभी ये दोनों ऑब्जेक्ट भी अलग है। अब इन दोनों को तो मैं डायरेक्ट सॉलिड एडिट से कर सकता हूँ। सॉलिड एडिट, सॉरी सॉलिड एडिट कमांड लगानी है। बॉडी सेपरेट सॉलिड, इसको सेलेक्ट करो और एंटर कर दो। अब ये अलग है, वो अलग है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब इसको यूनियन कर सकते हो, सेलेक्ट करो Ctrl 1 प्रेस करके इसका कलर चेंज आप यहां से भी कर दो, नहीं तो उसको वहां पर कलर यूज करो, मटेरियल लगा दीजिए। अब उसमें मटेरियल लगेगा, इस पे अलग लगेगा और इन सब पे तो सेम लगा दो। MAT एंटर, ये लगा रहा हूं। अब ये अलग है ना, इस पे मैं दूसरा लगा दूंगा तो लेगा, ठीक है। इस पे लग गया, इस पे दूसरा है। अब इस पे आपको अपनी यूज के अकॉर्डिंग कैसा भी लगा, ठीक है। ये फ्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हटा के ये वाली वापस ऊपर ले जा सकते हो क्योंकि ये वो यूनियन हो गई थी। कॉपी, यहां पे आ जाएगी और ये डोर भी आप वापस चेंज करो। डिलीट, सेलेक्ट, कॉपी और इसको यहाँ रख दो, ये चीज आपकी हो जाएगी। अब इसका कलर इस पे अप्लाई करना हो जाएगा, ठीक है। इस पे मेरे को यूज करना है स्टोन, करना है तो स्टोन कर दूंगा। कैसा भी यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर आप क्या, अगर कॉन्क्रीट पे जाओ, कॉन्क्रीट ऑप्शन आ रहे हैं। ऐसा चीज देखो जो आपको हाईलाइट करे, मतलब व्यू अच्छा दिखे। यहां से रियलिस्टिक करो तो आपको सब चीजें रियल दिखेगी। तो ठीक है, अब इसमें आपको चेंज करना है। अब इस चीज में भी मैं स्टोन स्टोन ही यूज करूंगा मैं इसके तहत अंदर, तो वैसे भी बाद में इसकी स्केलिंग वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, ये ले सकते हो आप। वैसे मैं यही ले रहा हूँ अभी। और इसको मेरे कुछ एडिट वगैरह करना है ना, कौन सा वाला मैंने लिया था, कौन सा वाला मेटल इसके ऊपर है, अगर आपको यहाँ पता नहीं चल रहा है
स्मॉल यूनिवर्स। इसको सेलेक्ट करता, इसको पहले क्या करता हूँ, रीनेम करता हूँ इसको, यहां लिख देता हूँ डबल एल, है ना, यही है डबल एल, हो गया नाम यूनियन। इसको सेलेक्ट करके इसके ऊपर लगाया, और इसमें एडिट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इस पर क्लिक करो। अब इसकी प्रॉपर्टी खुलेगी, इस इमेज पे क्लिक करो आप, इस वाले को भी बंद कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट करके आप आइसोलेट कर दो, सिर्फ इसी में चेंज करना मेरे को, है ना, बाकी किसी में चेंज अभी करना नहीं। अब इसकी देखो यहाँ पर टाइल आ रही है, स्केल साइज आ रही है, टाइल नन चाहिए तो नन भी कर सकता, हट गई टाइल, हट गई टाइल ही नहीं, हॉरिजॉन्टल टाइल्स नहीं है, चाहिए तो रख दो, वापस आ जाएगी। अब ये इसकी साइज क्या दे रही, 5 फीट बाई 5 फीट दे रहा है, बढ़ा सकते हैं हम, कितना करते हैं हम, ये लॉक तोड़ देते हैं, रखो तो रख सकते हो, मैंने यहाँ पे बढ़ा ली मान लो, ये बढ़ जाएगी भाई। चलिए नहीं बात नहीं है, नहीं कभी ठीक है, कितने स्पेंड आपने मेरे 3 तो अभी हैं यहाँ। अंदर लड़ना है, रिक्वेटिंग है।